हम पढ़ रहे चैप्टर दिशा परीक्षा। दिशा परीक्षा यानी कि डायरेक्शन, ये चैप्टर था। ग्रुप में जो मैसेज किए थे हम लोगों ने डाले थे, हरे सब ने सर, हम ग्रुप में वो नंबर दो ना, तो मैसेज तो उतना कम थे ग्रुप में है। सबसे अलग अलग घर का थोड़ी कहानी भी करते नंबर दो जहाँ से तुम लोग बैठे हो ना, वहां से उठ के हम भी आए। डैश मोड़ रहे थे। हाँ, जिसका फॉर्म पड़ा है पुलिस का, उसके एग्जाम डेट आ गई है। ठीक है, कब कब है? 23, 24, 25, 30, 31 प्री एग्जाम। ठीक है, मतलब ये वाला का डबल कोई कमी है, ये 23, 24, 25 जो भी डाल अगस्त में है, 30, 31 यस, ये आपके एग्जाम होंगे जिसका फॉर्म पड़ा हुआ है। और रीजनिंग कितनी करी बाबा नहीं पा रहे हैं, 55 नंबर की रीजनिंग है अपने आप में, जो कि अपने आप में एक सिलेक्शन पॉइंट है हमारा। ठीक है, और रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा भी है जो जैसे चैप्टर कुछ पढ़े हुए ना हो उनको भी हम अपने आप से कर सकते हैं। कुछ चैप्टर रीजनिंग है ऐसे, सब नहीं कर, कुछ चैप्टर है कि अगर उसको ध्यान दें 55 नंबर का ना, 150 मार्क्स का। 55 की रीजनिंग क्यों आ रही है? क्योंकि मैथ के कुछ चैप्टर हैं वो रीजनिंग फिट कर दिए हैं, जैसे आई दे दिया, डी आई डी दिया, डेटा एजेंसी होती है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ये वाले दे दिया, बहुत क्वेश्चन दे दिए, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। पढ़ लो अच्छे लग जाओ, नौकरी पा जाओ, बन जाओ, ये भाई जरा कोई जाओ। हाँ जी, अरे पूरब पश्चिम उत्तर पश्चिम, बस ये सबको पता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्या रहेगी? उत्तर पूर्व पूर्व दक्षिण दक्षिण पश्चिम, अरे ये पता नहीं हो पाया ना पश्चिम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन होगा हमारे, चलिए करते हैं। करें क्वेश्चन बोले, आप पहली बार आई बेटा, क्या नाम? बैठो बैठो नहीं, आप भी पहली बार आई आगे, बैठो बैठो, क्या नाम आपका? मनीषा। पड़ोसी क्या नाम आपका? हाँ मंजू, ठीक हो आपका, सही ले रही आई मंजू बताया, मंजू आप कभी तो इधर नहीं किया कितने चार परसों, हाँ सर देखिए, बोलना है क्वेश्चन, बोले बोल रहे हैं। देखिए, पंकज अपने घर से, पंकज समझते हैं, पंकज अपने घर से 6 मीटर उत्तर की ओर गया। पंकज अपने घर से 6 मीटर उत्तर की ओर गया। अच्छा चाहे ये क्यों कर रहा होगा, पंकज अपने घर से 6 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर वहां से मुड़कर 8 मीटर पूरब में गया।
फिर वहां से मुड़कर 8 मीटर पूरब में गया, पूरब में गया हो गया, वहां रखी कुर्सी पर बैठ गया, वहां रखी कुर्सी पर बैठ गया। वहां बाकी कुर्सी पे जाके बैठ गया, जो कुर्सी थी वहां पे वहां जाके बैठ गया। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन पूछेंगे पहला इसका। पहला क्वेश्चन है, वह अपने घर से, क्वेश्चन पहला है, आ जाइए, वह अपने घर से कितनी दूरी पर बैठा है, बैठा ही है, सॉरी ठीक है, 10 मीटर। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 4, 6, 8, 10। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा, पंकज का घर कुर्सी की किस दिशा में है? पंकज का घर कुर्सी की किस दिशा में है? ऑप्शन हो जाएगा पहला आपका उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। सी हो जाएगा दक्षिण पूर्व। जी आ जाइए उत्तर पूर्व। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, पंकज जिस कुर्सी में बैठा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, कुर्सी हो जाए आपका भाई, पंकज जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है वह पंकज के घर से कौन सी दिशा में है? वह पंकज के घर से किस दिशा में है? ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या कहता है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, सेम है ठीक है, ऊपर उससे कोई ऑप्शन है, सेम वही है, सेम ऑप्शन सी है वाले, ठीक है, सेम ऑप्शन ऊपर वाले, ठीक है, सही ठीक है। हाँ जा रहा तो मामा सुन रहा, क्या बात है, हाँ बस मार डर रहा है, गाड़ी चली है क्या, क्या क्या बस तो रात हो गई, नींद अच्छी बात है, नवा तो कैसे बोल रहे अपने ऊपर है, वो कैसे कपड़े चले जाते हैं, आप कह रहे चमक धमक रहा है, क्या बात, कोई तो बात है, तो कुछ भैया मैंने हमें क्या बताओ, एक करते हैं, हाँ पहला आंसर था पहले 10 आ रहा है, और दूसरे का बीवी ये बार बोलो रहा है, दुआ बोलो बीवी ये बार बोलो बीवी, तीसरे का है इसका ऑप्शन ये लिखो, ऊपर आपका ना आपको ले रही है फॉर्म भरा आप लोगों ने, दोस्ती निभाने चली गई ऐसे ही, फॉर्म भर देना अगर पढ़ना हो, ठीक है फॉर्म ले जाना, अब इसका फॉर्म भरा इसमें तुम बहुत दिन बाद बेटा क्या चलेंगे तुम ना, तो कौन सी आगे वाली बैठे आप लोग फॉर्म रहे फॉर्म ले लेना, ठीक है देख क्वेश्चन करते हैं, जिसको ना समझ देखिएगा क्वेश्चन क्या है करते हैं, पंकज अपने घर से उत्तर की ओर देखो, समझो उत्तर देखिए दिशा क्या है, मेन दिशा हमारी ये है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मेन दिशा ये होगी चार जो कभी चेंज नहीं होती। अब पंकज समझो यहाँ पे पंकज का घर है,
अपने घर से कहाँ जा रहा है? उत्तर में छे, उत्तर से ऊपर होगा, उत्तर ये हो गया छे, ठीक है छे हो गया उत्तर हमारा ये है, और क्या रखा आगे? फिर वहां से मुड़ गए पूरब में आता है, पूरब ये हो गया ये आ रहा पूरब में, कितना चल रहा है? 8 मीटर, 8 8 ही आ गया, ठीक है ये 6 मीटर हो गया, 6 की लेंथ में छोटी बनेगी 8 की बड़ी, ठीक है पूजा ये दिखाई दे बस इतना हो गया, कहाँ गया वो? यहाँ कुर्सी बैठ गया, यह पंकज को, ठीक है कुर्सी कुर्सी जे बैठ गई इसकी जगह, यह बैठा पंकज, ठीक है ये बैठ गया। अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है भय अपने घर से कितनी दूर है, घर जो है उसका ये है, हमको ये दूरी निकालनी है, ये ऐसे ये निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, तो जब भी ऐसे अगर आपको ट्रायंगल बन जाए क्या होना है, बनाए ट्रायंगल हमारा बनाए ट्रायंगल ऐसा कि तो जब भी ये बड़ी वाली भुजा कुछ सबसे लंबी भुजा है हमारी भुजा है साइड क्या करेंगे हम, इसका वर्ग कर दो 6 का 6×36 8 का 1×64 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 100 100 किसका वर्ग होता है 10 का होता है 10 हमारा आंसर आ जाएगा कितना चला है वो 10 मीटर चला है ठीक है कि समझो एक बार उत्तर में गया 6 पूर्व में गया 8 कुर्सी बैठ गई यहाँ पे आके पूछा गया है घर से और कुर्सी की दूरी कितनी बीच की तो हमने इसका वर्ग कर दो 64 इसका जोड़ दो 100 100 होता 10 का ठीक है सही है पहले हम खाते पड़ रहे हैं ज्यादा फिर आपको लग रहा है पंकज का घर पंकज का घर कुर्सी जी की दिशा में है पंकज का कुर्सी दिशा में पंकज कहाँ पे पंकज ये है कुर्सी ये है पूछा गया कुर्सी की दिशा में क्या पूछा गया कुर्सी की दिशा में दिशा देखो ऐसे आ रहा है अभी दिशा निकालें कैसे देखो ये कौन सी डायरेक्शन हमारी है घर कुर्सी की दिशा में पंकज घर है अगर यहाँ से देखेंगे बैठ के तो तिरछा देखेगा हमें तिरछा देखेगा तिरछे में कौन सी आ रही दिशा है और ये आ रही है दिशा कौन सी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम ठीक है सन्मान का आंसर क्या आ गया दक्षिण पश्चिम सरल क्वेश्चन हो जाएगा क्या बात हंस रहे थे क्या बात पंकज जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है जिस कुर्सी पर बैठा है जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है भय पंकज के घर से उल्टा पूछा भय पंकज के घर से की दिशा में दिशा कौन सी है वाली दिशा ये कौन सी दिशा कौन सी है वाली उत्तर पूछा क्या आंसर है इसका उत्तर यह पास हो गया ठीक है सर मैथ पढ़ पढ़ो ठीक है सही है किसको समझ में नहीं आया जो नए बच्चे हैं पुराने हैं और वो वाले भी बताओ लड़की लड़के को सब पता मिल गया समझ नहीं आया सबको समझ में आया सब सरल क्वेश्चन नहीं है पूछ लो सर्वाओ मत नुकसान आप लोगों का फिर अरे मत पूछो हम कर रहे हम तो कह रहे हैं पूछ लो तो पूछ लो नहीं बोलो नहीं बोलो भी आप जाना कौन है चलिए करते हैं क्वेश्चन एक और थोड़ा करते हैं ठीक है लिखो एक चूहा 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 समझते हो चूहा ऐसे सॉरी कैसे वैसे घर सांप हो गया था हमारा एक चूहा क्या हुआ कौन क्या बोल रहा है एक चूहा उत्तर दिशा की ओर जाता है एक चूहा कहाँ जा रहा है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है चारा ठीक है अरे मतलब मर जाए कभी ना कभी किसी पैर में बिल्ली खा जाए तो बेचारा योगी नहीं हो गया एक चूहा उत्तर दिशा की ओर जाता है ठीक है अब देखिए क्वेश्चन सुना ध्यान से फिर दाएं देखो फिर दाएं हो गया फिर बाएं दाएं मैंने राइट यस 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 मैं हेल्प कर रहा हूँ एक चूहा उत्तर में जा रहा है किसका क्या लिखा है फिर दाएं फिर बाएं ये लोग मुड़ रहा है फिर दाएं फिर बाएं ठीक है फिर क्या लिखा है फिर दाएं फिर दाएं फिर मुड़ रहा है दाएं फिर मुड़ रहा है दाएं अब चूहा है उसकी मर्जी है ठीक है और अंत में मुड़ रहा है बाएं
अंत में बाएं मुड़ता है, ठीक है, अंत में बाएं मुड़ता है, ठीक है, मुड़ गया, हो गया, सही है। मैंने क्या बोला, एक चूहा उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, अंत में बाएं मुड़ता है, ठीक है। पूछा गया है चूहा अब किस दिशा में जा रहा है, चूहा किस दिशा में जा रहा है, चूहा किस दिशा में जा रहा है, पूरब की ओर। जो करते हैं अब सरल क्वेश्चन खत्म होगा, जो हमने पढ़ाया था कल रसायनी का पढ़ता हूँ, अब पहला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये होगा बहुत। जो करते हैं चूहा, यह चूहा है बेचारा कहाँ जा रहा है, ऊपर में जा रहा है, ठीक है, अब कहाँ मुड़ रहा है, मुड़ रहा है दाएं, दाएं नहीं राइट हैंड, दाएं कहाँ हुआ आपका, दाएं किस तरफ आप लोगों का, दाएं हाथ सबके पास है, लड़के सारा देख लिया, दाएं हाथ ही होगा जैसे बैठे हम लोग, दाएं ये मुड़ा हो गया, फिर मुड़ रहा है बाया, बाया कहाँ होगा, सही होगा बाया, ठीक है, फिर मुड़ रहा है दाएं, दाया कहाँ होगा, सही होगा दाया, फिर मुड़ रहा है दाएं, दाएं नीचे होगा, फिर कहाँ मुड़ रहा है, अंतिम मुड़ रहा है बाया, बाया कहाँ होगा, बाया सही होगा, ये कहाँ जा रहा है, किस सामने जा रहा है, ये पूरा आप पांच जा रहा है, ठीक है, ठीक सही है। इसका देखो शॉर्ट लिया गया है, इसका तरीका शॉर्ट किया है, पता है किसी को, पता है बस सही है। देखो इतना मुड़ डायरम बना है, इतना बड़ा इसको छोटा रख सकते हैं, देखो इतना बड़ा केवल, फिर इतना बड़ा चूहा क्या रही है, जा रहा उत्तर में, उत्तर में आ गया बस, छोड़ दो। अब देखो दाया बाया कट गया, दाया बाया ये कट गया हमारा, केवल क्या बचा है, फिर बचा है दाया, दाया हाथ आपका इस तरफ है, दाया हाथ ये हो गया, अब कहाँ जा रहा है ऊपर में यार, है ना, ऐसा आंसर हो जाएगा। बट कब होगा, जब दूरी अलग रखी हो, दूरी अगर यहाँ पर दस दूरी हो या पाँच हो तब नहीं होगा, ये दूरी अलग अलग है नहीं है तब दिक्कत हो जाएगी, जब दूरी अलग रखी तब होगा, ऐसे बाया हाथ है दाया है, बाया कट जाएगा फटाफट हो गया, अब दाया बाया है ये कट हो गया, बचा खाली हो जाएगा, ठीक है सही। सर दूरी जिसमें लिखी है वो कट जाएगा, वो नहीं कटेगा, वो नहीं कटेगा, वो दूरी है ना, दूरी अगर लिखी है तब कट जाएगा, कट तो जाएगा, लेकिन दिक्कत नहीं होगी, दस है ये पांच है, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, गलत आंसर अपने करोगे, कितने बना लोगे आप, ठीक है, दूरी अगर बराबर ले रखी हो तब तो पड़ेगा, तो ऐसे कैसे दिक्कत है, हां तो वही तो बता रहा हूं, सब पढ़ दे, ठीक, किसी को दिक्कत है पूछ लेना, अच्छा देखो सरल क्वेश्चन है, मुंह पर तारी हैं, मुंह पर तारी एकदम पीछे भी करते हैं, हां पीछे करो, मैं डिग्री पूरी करते हैं, कितने किलोमीटर, चलिए ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा पहले प्लान बच्चों को, अब आई थिंक कुछ लोग पता होगा जो भूल गए होंगे, जो भूल गए उनकी आ गई, ये बना डायग्राम, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिखो दो लाइन वाले, एक वर्गाकार खेत में, एक वर्गाकार खेत, स्क्वायर खेत, खेत देखा, खेत तो मैं देखा नहीं, तो महंगा रहती हूँ मैं, एक वर्गाकार खेत, एक वर्गाकार खेत में चार व्यक्ति एल एम एन ओ, देखो नाम, एक वर्गाकार खेत में चार व्यक्ति एल एम एन ओ हो गए, हर भुजा के मध्य में खड़े हैं, जो भुजा ऐसी देखो इसके मध्य में खड़े हैं, हर भुजा के साइड के, जो साइड देखो ये साइड है, इसके मिड का खड़े मिड पॉइंट में, ठीक है, मैंने क्या बोला, एक वर्गाकार खेत में चार व्यक्ति एल एम एन ओ हर भुजा के मध्य में खड़े हैं, ठीक है बचता ही है, अब भी बनाई डायग्राम, ये डायग्राम बना हुआ आपका, ये है पूरब दिशा दे रखी है, ये रखी है पश्चिम, ये डायग्राम बन के आएगा तभी क्वेश्चन होगा, बिना डायग्राम क्वेश्चन नहीं होगा, उत्तर क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है सर, एमटीएस में आया था, ये पूरा डायग्राम बना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो नीचे में पूछा गया, यदि एल दक्षिणावर्त दो सही एक बटा दो, यानी टू होल बना पॉइंट टू
भुजा, भुजा इन साइड, भुजा है, चलता है तथा वो बामावर्त, बामावर्त में क्या टू होल्ड वन अपन टू, भुजाएं चलता है तो वे होंगे, वे की तरह आपको समझ सकते हो। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ये ऑप्शन दे रखे, पहला ऑप्शन दे रखा है ये सर दक्षिण भारत से होता है, राइट राइट राइट, बामा लेफ्ट नो कोई ना, हाँ पहला ऑप्शन है दक्षिण और पश्चिम, सेकंड ऑप्शन डी में है उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व ठीक है, अगला क्या है उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण जो ऑप्शन दे रखे हैं, डी ऑप्शन है आपका पश्चिम और पूर्व, वैसे ही क्वेश्चन और पढ़ाएंगे इसके बाद करिएगा। पूरा क्वेश्चन आपने लिखा है, चार व्यक्ति हैं, पूरा खेत है बड़ा का, उस खेत के खड़े बीच में, बीच साइड बीच में खड़ा है, बीच में खड़ा, बीच में खड़ा है, वैसे पढ़ना है करिएगा। पश्चिम तो फोन रोली कर दो, तो बाल में टाइम दिया था, इसमें खाली क्वेश्चन को लिखा आपको ठीक है, चलिए बस हमने कहना भाई आने लगा फिर मारा मीटर वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन फिर सुनने पर क्वेश्चन था एक वर्गाकार खेत, और आपका खेत बना वर्गाकार, ये चार व्यक्ति L M N O खेत में भुजा है, एक भुजा दी हो गई, एक दी हो, चार भुजा हो गई, चारों बीच में खड़े, बीच में खड़ा है, बीच में खड़ा है, बीच में खड़ा है, वो चार लोग पड़े बीच में, तो यदि L चले दक्षिणावर्त क्या चले दो बटे दो सही एक बटे दो भुजा चले, और वामावर्त चले ओ चले इतनी भुजा चले, तो इन दो ये दोनों चल के रुकेंगे जहाँ, वो दिशा कौन सी हुई पूछा गया, पश्चिम और पूर्व, रोहित लक्ष्मी डी और क्या तो नहीं घंटी है, हाँ भैया आ रहे हैं आप, ये बात तो नहीं पूरा एड्रेस जो करते हैं करें स्टार्ट, अब जो करते हैं जो एल एम आर एल ये हाँ करिए ना जी, एल व्यक्ति है व्यक्ति है ये व्यक्ति ये हो गया एल, ये क्या है इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था दिन पहले जो लोग नहीं आए थे उनको सुन लीजिए, चाहे लिखा हो दक्षिणावर्त लिखा हो, चाहे दायां हाथ लिखा हो, चाहे राइट हैंड लिखा हो, क्या है सब एक ही बात है, तो कौन सा हाथ हो जाएगा हमारा ये दायां हाथ, क्या हो जाएगा दायां हाथ, कौन सा हाथ है ये दायां, यानी क्लब पर इसको सब जो क्लब पर इसको होता है क्लब पर क्लब ने पारंपरिक दिशा में लिखा है बड़ी की दिशा ठीक है, अब देखो ये लिखा है दो सही एक बड़ा दो, ये क्या है ये दो भुजा हो गई कहीं होगी आधी भुजा हो गई हमारी ढाई भुजा है, क्या पड़े इसको हम ढाई पड़ेंगे, चलो अभी एल भाई फिर घड़ी चलती है जल्दी घड़ी हमारी घड़ी चलती है या आपकी यहाँ चलती उल्टी
किसी की उल्टी चलती होगी चलती देखो हम देखो एल को समझ आता। अच्छा क्वेश्चन एक और ऐसा, अरे दूर दूर क्या करो कुर्सी उड़ती है 850 रुपए की एक है। एल को हमें घुमाना है 2.5 बजे घुमाना है, वहाँ 2.5 बजे पहले घुमाना आधी लोगों पूरी बजाय लोगों सुनो पूरी बजाय एक तो है ये पूरी एक बजाय पूरी है पहले घुमाना आधी बजाऊ आधी तो जाएगी इसकी आधी यहाँ गया आगे आधी चल गया आधी बजाय ऐसे। अब बची दो एक और दो कहाँ पे एल हमारा ये आ गया हमारा कहाँ गए एल कौन सा आ गया हमारा एल आ गया पश्चिम कहाँ गए पश्चिम ठीक है समझना है कैसे तो समझो एक बार जो एल है चलेगा दाया हाथ आपका ये है सर के और क्या घड़े की दिशा में घड़ी ऐसे घूमती है सीधा हाथ तो देखो चलेगा 2.5 भुजा आधा ही चला आधा चल गया बच्ची 2 भुजा तो 1 भुजा और 2 भुजा यहाँ रुक गया दिशा कौन सी है इनकी पश्चिम ऐसे ही चलेगा ओ ओ चलेगा बामावर्त बामावर्त क्या होता है बामावर्त को बोल दो या बाया हाथ बोल दो या बोल दो लेफ्ट हैंड बोल दो या घड़ी की विपरीत दिशा ठीक है देखो अब घड़ी घूमती उल्टी ऐसे घूमती देखो ऐसे घूम उल्टी घड़ी उल्टी तो देखो वो चलेगा इतना पहले चले भुजा आधी वो कहाँ वो ये ऐसे उल्टा चलेगा आधी भुजा होगी इसकी आधी भुजा होगी इसकी ये बची दो और तो एक और दो ये कहाँ गया हमारा वो आ गया पूरब में वो कहाँ गया पूरब में ऑप्शन कहाँ हो जाएगा एल कहाँ पे एल हमारा कहाँ पे पश्चिम पूरा ऑप्शन नहीं है जी एल एल ये आ गया वो कहाँ पूरब या कहाँ से आ जाएगा समझ में इसमें नहीं आ रही है ऐसे ही और बिल्कुल होते हैं ठीक है समझ लो अगर सुनो अगर कुछ बोला जाए क्वेश्चन हमसे दक्षिणावर्त तो घुमाएंगे ऐसे करके सीधा हाथ से ऐसे घुमाएंगे सीधा हाथ से क्वेश्चन बोला जाए बामावर्त को उल्टा घुमा दिया था ठीक है ये चीज करना करिए और 2.5 बजे क्यों नहीं देखेगा वो सर मारा भाई क्या नाम आपका पहला दिन आपका चलिए कोई नहीं प्रॉब्लम जहाँ दिक्कत पूछ लेना ठीक है छोटे भाई ये मोहल्ले को भाग्य रात गया मोहल्ले को भाग्य क्या कह रहे हो बता दी पूरा एड्रेस इन्वर्टर से करा लिया क्या इन्वर्टर का सही ना हो पा रहा भैया का इन्वर्टर सही ना होगा ना सर उठा लिया ना घर पे बैटर को ले लिया ना सर उठा लिया ठीक है ना सीधा तो सर गाड़ी को हमने कुछ अब रिकॉर्ड नहीं होगा ना मुझे सही है इन्वर्टर सही हो जाएगा पंखा चलेगा अच्छे से ठीक है कोई इन्वर्टर हाथ में लगा ना ठीक है दिक्कत हो जाएगी जी वीडियो पड़ती है ना यूट्यूब पर पड़ती है वीडियो ये वो सर जैसा बोल रहा है इन्वर्टर सही है अच्छा है बढ़िया है अरे पढ़ दे इस कंपनी का जी कंपनी का तो होगा यार की बात है जैसे सरकार की कंपनी का मैक्रोटेक कुछ कंपनी उसका है। अब देखो सेम क्वेश्चन ऐसे ही होता है ठीक है सेम करना है आपको ये लिखो आधी भुजा तो आधी आधी में घुमाएंगे हम दो तो दो ठीक है सेम क्वेश्चन करना है पढ़ने जी सर तुम लोग मजे हैं बैठे हम यहां में हम देखो नहा रहे हैं लो भाई को हवा लग रही ऊपर देखो कहते नहीं इंसान जितना मिलता कम है इंसान को जितना मिल जाए हम तो कुछ अपना काबिल रही है जैसे आत्मा भाग रही मानी वो चला रहा क्या नाम है साधना साधना संदेह पीछे पंखे चल जाए चला रहा वो तो अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन लिखिएगा एक वर्गाकार मैदान के चारों कोनों पर एक वर्गाकार मैदान के क्या हो गया इसी और में भी वो लड़की है तो वो बुलाने वाली है आप मुझे स्त्री स्त्री बीच में लगती है ये क्या क्वेश्चन बोले एक वर्गाकार मैदान के बेटा तुम को नहीं हो पाएगा अंदर तुम को नहीं हो पाएगा बड़े होते एक वर्गाकार मैदान के चारों कोनों पर चार व्यक्ति एक वर्गाकार मैदान के चारों कोनों पर चार व्यक्ति ए बी सी डी कोने तो भाई होगा कोने ए बी सी डी प्रश्न एक बार एक वर्गाकार मैदान के चारों कोनों पर चार व्यक्ति ए बी सी डी बैठे ठीक है दिशा क्या है सबके पूर्व ये है पश्चिम की ओर ये है उत्तर ये है और दक्षिण ये तो महाराज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ठीक तो पूछा गया तो यदि ए चले दक्षिणावर्त
अरे बाबू रन दो रन दो मावल नारी बुझाएं चलता है वो बंद कर रहे हैं इसलिए क्या चल रहा है कौन सा आगे क्यों और क्या बंद कर लेंगे यार लामावट एक सही कर दो बुझाएं चलता है तो भी होगी देखा सेम क्वेश्चन कैसे करना ठीक है ऑप्शन देंगे पहले आपके पास क्या एक ही खत्म हो गई है समस्या बाल तो यार बटवा देना मुझे पंखा तीन चला एक लड़की बैठी पंखे लगा तीन देख रहा है एक किस लाल है एक किस हर कल लाल है अरे एक किस क्वेश्चन बोल का सब सारा क्वेश्चन लिखता है ऑप्शन दे रहा हूँ इंग डाले इंग नहीं है मैं आज पूरे समझते हो जाएगा क्वेश्चन लिखा तो बाबू ये क्या लिखा है समझ नहीं पाए क्वेश्चन क्या अरे तो बे होंगे बे दोनों की दिशा में होंगे सेम क्वेश्चन करा था सेम आपने गांव थोड़ा होंगे ऑप्शन है पहला दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम भी हो जाएगा ऑप्शन आपका दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व बड़ा दिमाग और नाम बी वाला होगा बी आंसर आ गया जी सर आ भी कहता हूँ नहीं दिखता सर अगला है कोई नहीं था बता देखो तीन ऑप्शन क्वेश्चन क्या बोला मैं प्रश्न एक बार क्वेश्चन बोला सर ये बहुत सही चल रहा है मैंने क्वेश्चन बोला था ये बराबर खेत है ये स्क्वायर टाइप का चार व्यक्ति हैं ए बी सी डी चारों बटे कोने पे एक कोना ये हो गया द्वि तीन चार तो पूछा है सही है पर ये ऑप्शन और आंसर से मिल रहा मतलब पसीने में डटा लग रहा है अंदर जाके पंखा दी वेरी गुड क्वेश्चन उनके मजे लेता है वो लड़ घूम रहा जाएगा सर हां कौन चला अच्छा सर आगे वाली क्लास में ट्रांसफर करा लीजिए वहां पे बढ़िया पंखे चलते हैं सारे एवेल्स के पंखे लगे हुए नए चलो भाई कंपनी भेज दे अरे मैं बैठ गया यार ये आधे घंटे में सी चलिए करें सब पांच सारी आ रहा है बिहार सबका जी सबका बिहार है दक्षिण पश्चिम कहलाएगी कौन आ गया यहाँ पे यहाँ आ गया ठीक है दक्षिण पश्चिम ये आ गया ऐसे ही अब पूछा गया डी बताया गया डी डी क्या चल रहा है डी का हाथ उल्टा ही है अब डी चलेगा ऐसे लिखता लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड हमारा ये का चलेगा डी ऐसे डी आ गया ऐसे कितना चलेगा डेढ़ एक और आता एक तो इसकी होगी एक पर आता आधा इसकी हो जाए तो डी यहाँ आ गया दिशा क्या करेंगे पीछे दोनों ही उत्तर पूर्व ठीक है एक यहाँ पे दक्षिण पश्चिम तो ये कहाँ पर उत्तर ये ऑप्शन हो जाएगा सही है ठीक चलिए अब ऐसा कुछ नहीं कराएंगे अब करते हम दिशा परिवर्तन वाले
डिग्री वाले तो नहीं पढ़े फिर दाएं 135 डिग्री मुड़ता है। 135 जी 135। मैंने बोला राकेश का मुंह पश्चिम की ओर है, वह दाएं 90 डिग्री मुड़ता है, फिर दाएं 135 डिग्री मुड़ता है, 135 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। और अंत में अपने बाएं, धन्यवाद, और अंत में अपने बाएं 180 डिग्री मुड़ता है, और अंत में अपने बाएं 180 डिग्री मुड़ता है, हो गया। तो बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण पूर्व। तो आप देखिए कहाँ है? पश्चिम उत्तर। दाएं बाएं, दाएं राइट होता है, बाएं लेफ्ट। बाएं लेफ्ट तो मुझे बता दो किसी ने। बोलते नहीं हो? अरे कैसे बोलो, बताओ तो बता दिया तो नहीं। आप जब दाएं बोलो तो थोड़ा सा जो लिखो बेटा ज्यादा ध्यान लग रहा है, लिखा भी तो यार दिख नहीं रहा यार। पक्का? मैं पक्का भूल जाऊं 100% दाएं वाले दिन। जब प्लीज नीचे दाएं नीचे करो, रवि बन गए ऊपर हो गया। इसमें जो करते हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना इसमें। पहले क्या होना, ऐसा होना दिशाएं चार सारी पूरा हो गया, इधर पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। इतना सब लोग काम कर लेंगे, इतना सब लोग काम कर लेंगे इतना। अब उसका मुंह कहाँ पे है? पश्चिम में। पश्चिम में उसको ऐसा कर रहा हूँ, उसका मुंह यहाँ पे ऐसे इधर देख रहा है, ठीक है। अब पर रफ पर रफ काम क्या होगा? ये रफ काम आपका रफ काम, ठीक है। ये एक तरफ को दाएं की तरफ, एक तरफ को बाएं, यानी कि लेफ्ट और राइट। नहीं है, मैंने लिखा था। किससे कहा था आपने? ये आप समाज कल्याण विभाग से? नहीं, हमने शिकायत कर दी, आ रहा है थोड़ी देर, आ रहा है शिकायत कर दी, अभी नदी आ रहा है। अच्छा, पंखा बड़ा पंखा ही कोई करे कर, ये क्लास सिर्फ नहीं सकता इधर, नहीं सिर्फ तो नहीं हो सकता। अगर हमारे यहाँ मिस्त्री चल रहा है वहाँ, उसको रिक्वेस्ट करो तो दो मिनट के आगे सिर्फ कुछ नहीं बनाना है, आपका इन्वर्टर ठीक नहीं है। वही तो आ रहा है, इसने भी फिटिंग करी है। हाँ। उसको बुलवाओ। हम वही तो आ रहा है, वही आ रहा है, बस सही है, बस
जी जी सबको अच्छा लगता है। बच्चे सबको लगती है बच्चे पढ़ गए हम देखो हम भी इंसान ये खाना खाते हैं जो कर रहे हैं पहले दाग मार दाग तो मुड़ा वो मैंने क्या क्वेश्चन का राकेश नमो पश्चिम की ओर है मुड़ा है दाएं न पड़ेंगे लिखिए हमने लगभग फिर मुड़ा है दाएं 135 अंत में मुड़ा है बाएं कितना मुड़ा है अंत में कितना कर लो सब लोग कर लोगे अब क्या करना है इनको जोड़ लो जोड़ कितना हो रहा है 5 12 कितना हो रहा है अब ज्यादा ये है कितना ज्यादा है घटा लो अंत का अंतर लेकर कितना है अंतर घटा लो ना घटा पाओगे सर के घटा लो घटा 5 12 कितना होता है कितना ज्यादा ये कितना ज्यादा है सर ना इतना ज्यादा है कौन सा हाथ है इसका दाया हाथ है कितना ज्यादा है तो इसका दाया कहाँ ऊपर होगा नीचे होगा ऊपर होगा दाया इसका ये पूरे 90 डिग्री होता है 90 वाले कितना हुआ ये 45 तो यहाँ घूमो यहाँ आ जाएगा तो हाँ गया राकेश यहाँ घूमा यहाँ ये हो गया हमारा 45 डिग्री का हो गया दिशा क्या करेंगे बीच वाली अब इसका उत्तर होगा क्या करेंगे दिशा ये वाली पश्चिम उत्तर है उत्तर पश्चिम ये 500 हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा या 500 हो जाएगा फिर समझे मैंने क्या कहा क्वेश्चन में जो व्यक्ति का मुंह जहाँ व्यक्ति का मुंह बना दो मुंह बना दिया हमने उसका ठीक है पश्चिम मुंह था ये रेफर किया हमने अब देखेंगे ज्यादा कौन सा ज्यादा ये कितना ज्यादा है घटा लेंगे इसको हम ठीक है दाएं ज्यादा 45 दाएं इसका होगा ये ऊपर दाएं ये होगा ये पूरा 90 होता है 90 वाला कितना होगा 45 यहाँ पे आधा दिशा क्या करेगी ये करेगी ठीक है या 500 बजे सारे क्वेश्चन ऐसे करते हैं कौन आता ठीक है बात करो सर पता ना बात करो जब रहा सही है तुम्हारा फ्लैट भी सही है देखो कम से कम उससे कहा मैं बैठ तो यहाँ पर देख पड़ थोड़े देर ऐसे क्वेश्चन सरल होते हैं ठीक है दो चार क्वेश्चन बोलने ऐसे प्रैक्टिस के लिए फिर चेंज करते हैं सब पैसा बर्बाद बना रही बात करो तुम चले आओ उसके साथ लिखो मुकेश दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है मुकेश दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है मुकेश का मुंह कहाँ है इस बार दक्षिण में ठीक है मुकेश दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है ठीक है वह घड़ी की विपरीत दिशा में इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज इट मीन्स बायां हाथ वह घड़ी की विपरीत दिशा में विपरीत दिशा क्या होती है यानी बायां हाथ होता है हमारे को ठीक है वह घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है वह घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है हो गया और फिर उसी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज और फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है 45 और फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है ठीक है पानी फेंक कर फेंक दिए क्या करा हाँ वो रखे रहते क्या मत ठीक है क्या बोला मैंने और फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है हो गया इसके बाद घड़ी की दिशा में इट मीन्स क्लॉकवाइज यानी दायां हाथ और फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है फिर उसी दिशा में फिर यानी क्लॉकवाइज फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है बस फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है हो गया सबका छूट गया किसी को लिख लिया सबने छूटा नहीं किसी का पूछा गया है मुकेश का मुंह किस दिशा में है मुकेश का मुंह लिखवाता है किस दिशा में भाई
मुकेश का मुंह है जो सुंदर सा, वो किस दिशा में लगा है? कहाँ होगा? दक्षिण पूर्व। पूर्व ऑप्शन एक हो गया, और क्या था इसी में बताओ? दक्षिण। दो ऑप्शन हो गया और बताओ। लड़कियां अपना योगदान दे भाई, शिवानी बताएं करो आप बताओ। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ऑप्शन तीन होगा, दक्षिण पूर्व। और बताएं लक्ष्मी आंसर क्यों? दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण मरिया उत्तर। सुप्रीत का ऐसा बता, बिमल बिमल दक्षिण के बारे में, दक्षिण मुरार का भी ये आ रहा, तीन मोड़ होगा, तीन मोड़ यहाँ पे कोई इधर बताएं। करो सरल क्वेश्चन होगा भाई, घड़ी देखो दिशा विपरीत क्या होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब करते हैं। अब व्यक्ति का मुंह कहाँ पे देखो, इसको समझ में ना आया, व्यक्ति मुंह कहाँ पे? दक्षिण में ऐसे खड़ा हो गया, ये खड़ा है मुकेश, ऐसे मुंह की उठे दक्षिण मुंह उसका, जैसे हमारा मुंह है ऐसे खड़ा है, तो उसका बायां ही हो जाएगा, दायां ही हो जाएगा, इट मींस क्या है इसका? दायां ही होगा तो बायां ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो जरा, क्या बोल क्वेश्चन में? वह कर रहा है घड़ी की दिशा विपरीत, क्या है एक रेफरेंस है घड़ी की विपरीत दिशा, क्या होती है विपरीत दिशा, यानी लेफ्ट हैंड दायां, क्या होता है सर? ऑप्शन नंबर ए होगा, ए वाला ऑप्शन। अब फिर क्या बोला, क्या है फिर बोला, क्या है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा यानी कि दायां हाथ, राइट हैंड, सब नहीं होता समझो। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? पहले घूम रहा है 180 डिग्री, कहां घूम रहा है? घड़ी की दिशा है विपरीत, 180 हो गया, फिर कितना घूम रहा है? फिर लिखा है उसी दिशा में, यानी इसी दिशा में, कितना घूम रहा है वो? 45 डिग्री लिया, ठीक है। अब चल रहा है घड़ी की दिशा में, ये तो क्वेश्चन है, घड़ी दिशा में चल रहा है वो बेचारा, 45 90 चल रहा है, 90 ही हो गया, फिर कितना चल रहा है अंत में? 45 चल रहा है, 45 इतना चल रहा है हमारा, सही है। चाहे जोड़ लो चाहे काट लो, कट गया या जोड़ लो, कटेगा जो कैसे कटेगा, ये कटेगा देखो सेम कट गया हमारा, ये कट गया पहले पास कट गया हमारा, ये कट गया, ये कट गया, सेम सेम कट गया। अब ज्यादा ये चल रहा है, कितना ज्यादा है? 90 डिग्री ज्यादा है, देखो ज्यादा कितना है, 90 डिग्री ज्यादा है, कौन सा ये ज्यादा 90 डिग्री, कौन सा वहां पे है? लेफ्ट हैंड है घड़ी की दिशा विपरीत, कितना चले गया था? 90। ऐसे पड़ा है दिशा घड़ी की, योगी सीधी योगी सीधी, ऐसे चलेगा सर, ऐसे जाएगा उल्टी दिशा में, बाएं हाथ, बाएं हाथ देखो कौन सा इसका 90 ही आ रहा है, नंबर सही आ जाएगा, कहां गया? पूरब में आ गया, क्या आंसर आ जाएगा? पूरब आंसर आ जाएगा, फिर समझ जाएगा कौन समझ में आया हो। मुकेश कमो दक्षिण में, ठीक है, बड़ा कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। आओ अरे बाबू जोड़ लो फिर घटा लो तब भी आप बचा रहेगा, कट गया हमारा ये बचा 180 और 90, ज्यादा चल रहा है ये ज्यादा चल रहा है, कितना ज्यादा है? घटाया तो 90 है, 90 ज्यादा है, ऐसा कौन सी है? घड़ी की दिशा विपरीत यानी बायां, बायां सही हो जाए 90 आ जाए, सही है, इसमें दिक्कत कोई देव है क्या? कुछ नहीं है, कौन कह रही है, क्या कह रही हो कुछ तो? गर्मी हो रही है बहुत, कुछ मत कुछ पड़ती रहो वाली बस, कई दिमाग का मैं इधर हट गया था, फिर जा रही है? अच्छा आ जाए, पैकेट कहाँ जा रही है? तुमने क्या कह दिया उससे, चली गई नाराज हो गई है? अच्छा ये तो सही है, हाँ ये बात सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन लिखिए एक और,
स्टेप पर लास्ट करा लास्ट करा रहे समझ आने की क्वेश्चन की रोहन रोहन का मुंह उत्तर दिशा में है रोहन का मुंह उत्तर दिशा में है ठीक है वह घड़ी की दिशा में या वह घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त वह घड़ी दिशा में या दक्षिणावर्त ठीक है या दक्षिणावर्त 225 डिग्री चलता है 225 डिग्री चलता है मैंने क्या बोला रोहन का मुंह उत्तर दिशा में है वह घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त 225 डिग्री चलता है ठीक है और बामावर्त 180 डिग्री चलता है और बामावर्त 180 डिग्री चलता है ठीक है और अंत में दक्षिणावर्त और अंत में दक्षिणावर्त 90 डिग्री चलता है और अंत में दक्षिणावर्त 90 डिग्री चलता है ठीक है अरे इधर इधर और अंत में दक्षिणावर्त 90 डिग्री चलता है पूछा गया है अब उसका मुंह किस दिशा में है सर दक्षिण दक्षिण बताया आपको दक्षिणावर्त दायां हाथ या राइट हैंड की बात है
कि तब चलाएंगे हम दाएं चलाएंगे तो चलाएंगे 100% चलाएंगे। अब देखो उसका जी यहाँ पे ना ये 90 कौन सा वाला 90 का यहाँ लगे हैं यहाँ 90 आ गया। अब 90 का कितना हो 90 का आ रहा ये होगा 45। अब देखो 45 जोड़ लो 90 जोड़ कितना होगा हमारे इस बात से जोड़ो कहाँ गया यहाँ से यहाँ गया। अब दिशा क्या है दिशा ये वाली दक्षिण पूर्व क्या आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व पांच आ जाएगा। सब में आ गया अच्छे सभी सब में आ गया सबको ठीक क्या था आपने आंसर दक्षिण। कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में जहां मुंह है वहां छोड़ दो बना के दाएं बाएं धर को दाएं बाएं बाएं के पानी दाएं बाएं दिया करना आपको ऐसे लिख लिया हमने इसको रफ एक रफ का मामला रफ का करते दो मिनट लगते हैं जो ज्यादा है हमारा ठीक है। अब क्वेश्चन अलग तरीके से करते हैं ये तो बता रहे हैं अन्य दिशाओं को
तथा अन्य दिशाओं को किसी प्रकार परिवर्तित कर दिया जाए तथा अन्य दिशाओं को किसी प्रकार परिवर्तित कर दिया जाए तो पश्चिम को तो पश्चिम क्या हो जाएगा तो पश्चिम क्या हो जाएगा कौन सा हो जाएगा कर लो आराम से। मैंने क्या बोला यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए ऑप्शन में है पूरब उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण पूरब क्या आंसर आ रहा है दक्षिण पूरब आंसर आ रहा है। हाँ भैया हेलो सारे को बता रहे ठीक सारे आयोग से बता रहे क्या दिक्कत है। हाँ तो क्या करना पड़ेगा आपको पहले ये ऐसा कर लें सभी लोग ऐसा बना लें ये बनाना जरूरी है कैसे बनाएंगे देखो पूरब पश्चिम उत्तर केवल एक क्वेश्चन समझ लो सारी सब आ जाएगा इधर से क्या कहलाएगी बिटवाइन हमारी ये कहलाएगी उत्तर पूरब कहलाएगी ये कहलाएगी बीच की क्या कहलाएगी पूरा दक्षिण कहलाएगी ये क्या कहलाएगी दक्षिण पश्चिम कहलाएगी बेचारी ठीक है ये कहलाएगी सब लोग कर ले कितना काम करना है आपको ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दिशा परिवर्तन वाला टाइप तीसरा हमारा ठीक है टाइप तीसरा दिशा परिवर्तन ठीक है। अब पढ़ते क्वेश्चन क्या देखो यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए दक्षिण पूर्व कहाँ पे इसमें देखो बताए कहाँ कितना नहीं दक्षिण देखो ये है दक्षिण दुर्गा आपको ये क्या हो जाए उत्तर हो जाए। अब उत्तर आपका यहाँ से पास पड़ेगा ये यहाँ से पास पड़ेगा यहाँ से पड़ेगा तो यहाँ लेगा यहाँ से यहाँ लेगा उसको जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मतलब पीछे देखिए मतलब क्वेश्चन क्या है यदि दक्षिण पूर्व ये एक ही बात है वो उत्तर कह रहे उत्तर हो गया हमारे ये आगे बढ़ क्या रखा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए पश्चिम लिखा ना उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर पूर्व कहाँ पे हमारा उत्तर पूर्व ये है। अब बात यह है हमने ये ऐसे घुमाया तो ये कैसे घूमा कहीं के सामने ये क्या हो जाए उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए हो गया बस हो गया हमारा उत्तर थोड़े देर जाए थोड़ी देर में ठीक है ये हो जाए हमारा क्या समझ आ रहा है दिक्कत है जी बताइए सर बताएं हाँ अब देखिए समझो रोहित भाई देखो ये दिशा इतना बना लेंगे इतना बन जाएगा इससे इतना सब बना लेंगे। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा दक्षिण पूर्व स्क्वायर मीटर कोई दिक्कत तो है सही है आपको सही है कोई दिक्कत नहीं है। यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए उत्तर हो जाए उत्तर हमारा ये आ गया होगा उत्तर। फिर क्वेश्चन क्या कहलाए उत्तर पूर्व पश्चिम हो गया हमारा हो गया और यह परिवर्तन आगे चल रहा है यह क्रम चल रहा आगे होता जा रहा ठीक है। तो पूछा गया है पश्चिम को क्या कहा जाएगा पश्चिम क्या हो जाएगा पश्चिम जो क्या पश्चिम ये है। अब देखो समझो आंसर आ गया ये यहाँ से मैं घुमाया कितने डंडे घूम रहा आगे एक दो तीन चार डिग्री में दिक्कत है डिग्री में दिक्कत हो जाएगी ये कितने डंडे घूम रहा है एक दो तीन चार। तो अब तक पूछा गया है उसको हम घुमाएंगे केवल चार डंडे घुमाएंगे सही है घुमाया से पूछा गया पश्चिम क्या हो जाएगा एक दो तीन चार कितना आंसर आ गया ठीक है आपका आंसर आ जाएगा।
सर मैंने सबको नहीं आया सर मैं ठीक है रोहित भाई सब लोग ऐसे ही करेंगे करो कैंसिल करने की ठीक ठीक
फ्लोर लली लड़ाकू लड़के लिए उत्तम लड़ने में तरीके से हैं। क्या था सबका? पश्चिम उत्तर कितना रहा? पश्चिम उत्तर आ रहा है। पश्चिम उत्तर जो करते हैं मिटाते पड़ते उसको, ये तो हम मिटा के रह सकते। किसी का पानी तो पिला दो भाई, पानी तो दूसरा कोई तो पूछ लो, पानी तो के लिए पानी पिला दो, पुण्य मिलेगा आपको, जल्दी नौकरी मिलेगी, दुआ लगेगी हमारे। पानी है किसी के पास? मतलब सर लाइए, तुम्हारे मतलब लाइए तुम लोग कोई पिला आए चले आते हैं पटेल लाइन तो भूल गए, पानी पिला दो दिक्कत हो रही है। दक्षिण पूर्व बोला जाए, पश्चिम देखो ये समझो पश्चिम ये है, तो क्या बोला जाए? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व एक बार ये देखो दिमाग लगाओ, ये पास कहां से पड़ेगा? यहां से पास पड़ेगा घुमाने पर, ये यहां से पास पड़ेगा, यहां से पास पड़ेगा, तो हमने पश्चिम को बोल दिया, ये आ गया ऐसे घूम रहा है, ये आ गया आगे रखा है, और दक्षिण को उत्तर पूर्व बोल दिया। अब जैसे घूम रहा है तो यही तुम्हें उल्टा घुमाओ, घुमाएंगे हम सबको एक दिशा में, इंग्लैंड घूमेगा, दक्षिण को उत्तर पूर्व बोल दिया, बोल दिया, और आगे भी एकदम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो पूछा गया हमसे तो सूरज किस दिशा में उदय होगा, सूरज कहाँ उदय होता है? पूर्व में निकलता, सूरज पश्चिम कहाँ निकलता है? सूरज पूर्व में निकलता है। अब देखो ये घूम रहा है, एक डंडा डंडे आता को डिग्री से कर लो तब भी आ जाएगी डिग्री, दिक्कत होगी। एक डंडा दो तीन चार, ये एक दो तीन चार, ये कितना घूमेगा? चार, ऐसे ऐसे एक दुई तीन चार, कहाँ गए ये? ये आ गया, ये पांच आ गया। सूरज कहाँ से निकलेगा? सूरज सूरज यहाँ निकलेगा, सही है, समझ में आ गया? अनुजा आ गया तो सही है। क्लियर वाला लड़की क्या क्या बोल रही थी, समझ नहीं आया भाषा क्या है? अभी तो अपने ब्लड रिलेशन में बोल होता है, हैं? अभी तो अपने ब्लड रिलेशन में बोल होता है, बोल होता है, बोल बोल अच्छा, हाँ हाँ भाई बोल होता है लड़की का, अरे वह लड़की ऐसे बोले बोले तो महिला कहलाएगी, इसकी महिला बोल होती है, उनकी बातें बोल रही होती ना, अरे क्या बोल जाती है वो, एग्जाम्पल सामने है सबके। चलिए क्या क्या पुरस्कार होता है ऐसे, देखो ये ऐसे देखो सीधी बात सामने सही नहीं समझ बात नहीं, सीधी बात सीधी बात सीधी बात, और लड़कियों का पता नहीं शुरू कहाँ से हुआ है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सब कुछ बोल है बातें वगैरह करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिएगा ऐसे, देखो लास्ट टेस्ट है, ठीक है लास्ट में करते हैं, जिसको समझ आ रहा है फिर पूछ सकता है कैसे हुआ, ठीक है? देखो क्वेश्चन लिख लिया अगला, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, ठीक है हो गया, और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, मैंने क्या बोला? उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, ठीक है हो गया, और लिखिए रोहित भाई, और पश्चिम उत्तर पूर्व हो जाए, और पश्चिम उत्तर पूर्व हो जाए, वो देखिए द्वारा बोल देंगे बाबू, नाराज हो रहे यार छोटे भाई, तुम मेरे बताओ क्या द्वारा बोलना है? पश्चिम उत्तर पूर्व हो जाए, क्वेश्चन फिर से उसका छूट गया है, मैंने बोला यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, ठीक है दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, और पश्चिम उत्तर पूर्व हो जाए, और आगे भी यह क्रम चलता रहे, यानी आगे भी क्रम ही चलता रहे, पश्चिम उत्तर पूर्व हो जाए, तो हिमालय भारत की किस दिशा में स्थित है? तो हिमालय देखो तुम जो अपने फ्रेंड के प्रोग्राम्स के चलिए बताएंगे
ठीक है। तो पूछा क्या गया है, तो हिमालय भारत, क्वेश्चन पूछा गया तो हिमालय भारत की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण। दक्षिण है कहाँ पर हिमालय? नॉर्थ में। इसको ये नहीं पता तो आंसर करेगा ठीक है, नॉर्थ में। माने नहीं, वैसे तो मैप का इंडिया 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 पूरा हिमालय हमारे यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ जा रहा पूरा ये ठीक है। हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया ये है यहाँ पर, ये नेपाल आ गया, चाइना बॉर्डर आ गया ठीक है। होता पहले शुरुआत कहाँ से होता है? मुख्य तो नहीं कहते, यहाँ पे नॉर्थ में जम्मू जम्मू कश्मीर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर टॉप पे हमारा ये ठीक है, इसके ऊपर हिमालय नहीं है, तो बस शुरुआत वहीं से होती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी उधर है कंचनजंगा के टू, उधर वो ये क्या है वो पाकिस्तान, ये क्या है पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर अफगानिस्तान ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे। नाम सुना है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सर इस्लाम में ऐसे आ जाते हैं, किर्गिस्तान भी है ये सब कुछ है। हाँ क्वेश्चन सर, पाकिस्तान में सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाती है। हाँ जी हाँ जी, पाँच कंट्रीज आती है। किस तरह की आती है? रशिया से टूट के लगभग 1992 में। अच्छा, और हैदराबाद कब हुआ तेलंगाना से? तेलंगाना से हैदराबाद कब अलग हुआ? हैदराबाद तारीख कितनी है? बस सब बात सुना दिया, अदर कंट्री का काफी नहीं ना बता। उत्तराखंड का अलग हुआ यूपी से 2000 में, नवंबर 2002 में, 4 नवंबर में सही है। देखो क्या बनाना है, सुनो ये बना दो, बनाएंगे चारों दिशाएं से बना देंगे सभी लोग, सब दिशा बना लेंगे। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, सुनो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था? अरे चुप जाओ भैया, जो क्वेश्चन क्या था, उत्तर पूर्व क्या हो जाए? दक्षिण हो जाए, दक्षिण हमारे यूपी के पास से जा रहे हैं, इस बार ऐसे घूम रहे थे घुमाए, ये हो गया हमारा दक्षिण ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन? हाँ उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए, ऐसे घूम रहे पश्चिम हो गया हमारा ये, और पश्चिम उत्तर क्या हो जाए? पश्चिम उत्तर पूरा हो जाए, हो गया पूरा। बस फिर समझो एक बार समझ में आया हो, पहले बनाना सब दिशाएं ऐसे बना लिया हमने, फिर जो बोला है करते जाओ। क्या क्या बोला गया है? उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, दक्षिण वाला ये हो गया, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए हो गया, और पश्चिम उत्तर पूर्व हो जाए हो गया, और आगे ये क्रम चल रहा है, चलता क्रम हमारा चल रहा है, चल रहा चल रहा है। तो पूछा गया है हिमालय भारत की दिशा में होगा, कहाँ पे वैसे हिमालय? यहाँ पे उत्तर में है, हिमालय इधर है उत्तर में है। अब देखो सब देखो घूमने वाला, देखो हमारे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हिमालय देखो ये हिमालय चार, एक तो ये हो गया विंडर, दो तीन चार, ये आपका आंसर हो जाएगा। सर आया नहीं है सबको आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा सही, दिक्कत नहीं सीख कोई। हाँ तो फिर बात तो वही है, मतलब था कंडीशन देगा, कंडीशन देगा तो बोलेगा पहले 5 डिग्री ऊपर गया, पहले बोले 5 मीटर गया, फिर दाएं गया, ऐसे बोलेगा वो ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं देता है, देता है डिग्री वाले, 5 मीटर चला फिर डिग्री घूम गया, फिर 10 मिनट चला फिर घूम गया, ऐसे देता है, इसमें नहीं देता है। और दो क्वेश्चन आप मेरे लिए क्वेश्चन तो लेकर ही हम बता देंगे ठीक है। क्वेश्चन देखो अभी कल हम कराएंगे इसका चैप्टर बचा लास्ट, कौन सा चैप्टर टॉपिक बचा है? छाया वाला। दो मित्र सुबह के शाम बातें कर रहे हैं, एक के बच्चा यहाँ पढ़ रहे, एक की वहां पढ़ रहे, कल 10 मिनट टॉपिक है, 10 मिनट खत्म हो जाएगा। अभी क्वेश्चन बोलो, अच्छा क्वेश्चन एक पजल है लिख लो, हमारे ठीक है बड़ा बच्चा है, कल करा देंगे आधे घंटे का ठीक है। ये क्वेश्चन लिखिए, अच्छे क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस पजल है, छोड़ दीजिए अच्छे पजल टफ थोड़ी, पी क्यू आर एस टी यू पजल है ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू ठीक है। 6 जांच चौकियां हैं, 6 चौकियां हैं, जांच चौकियां पुलिस चौकी मान लो, 6 पुलिस चौकियां सही है, और समझाओ
ठीक है, छह पी क्यू आर एस टी यू, छह पुरुष चौकियां हैं, हो गया। अब लोग क्वेश्चन शुरू होता है, यू चौकी यू फॉर अम्ब्रेला मैंने छापता, यू चौकी एस से, यू चौकी एस से 15 किलोमीटर उत्तर में है, यू चौकी एस से 15 किलोमीटर उत्तर में है, हो गया, पूछा हो गया, 15 किलोमीटर उत्तर में है, जो क्यू से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, जो क्यू से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, हो गया ना। तो क्वेश्चन अच्छा है, जिसको डायरा ना मानता थोड़ा लिखना शॉर्ट में, तो इसमें दोबारा छह चौकी हो गई, यू चौकी एस से 15 किलोमीटर उत्तर में है, जो क्यू से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, हो गया। देखो आगे, पी चौकी टी से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, बेस्ट, पी चौकी टी से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, क्या छूट गया कुछ? मैंने बोला पी चौकी टी से 5 किलोमीटर पश्चिम में और आर से लेफ्ट हैंड है और आर से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है और आर से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है और आर से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, हो गया, हो गया था सबका। सुरजीत देखिएगा इसके आगे, जांच चौकी लेफ्ट हैंड है, जांच चौकी पी क्यू तथा टी, बोर हो रही लड़कियां, लेफ्ट हैंड नहीं हो रही है, पी चौकी पी क्यू तथा टी एक सीधी रेखा में है, घर बोल देंगे, मैंने बोला है जांच चौकी पी क्यू तथा टी सीधी रेखा में है, ठीक है, लास्ट लाइन है बस करी, लिखिएगा, बोले जांच चौकी क्यू तथा टी एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर है, बस जांच चौकी क्यू तथा टी एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर है, बस क्वेश्चन लिखा हम बोर्ड पर, क्यू और टी एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर है, यानी क्यू क्यू पर क्यू क्यू यानी क्वीन क्वीन माने रानी 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 30 30 पंखा लगा है छत पे नहीं हम तो मैं बैठे आ रहे हैं और सुबह को खड़ी हवा मिल रही है कि बड़ी खड़ी हवा आ रही है बकरी हवा आ रही है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन क्या पहला क्या दोबारा क्वेश्चन बोलना है क्या बोलना है एक शांत रहे क्वेश्चन पहला है यदि कोई जी पी क्यू तथा टी एस से एस होती हुई टी से यू तक जाती है बहुत अच्छा क्वेश्चन है जाती है तो जी कुल कितनी दूरी तय करेगी ठीक है ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर डी हो जाएगा 90 किलोमीटर स्मार्ट कम देखा ना मार्कर लेकर लेकर नहीं ऑफिस से लेकर आना अगला क्वेश्चन है दूसरा तीन क्वेश्चन है उसके एस से दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर
कौन सी चौकी है? ऑप्शन हो जाएगा पहला आपका पी क्यू आर टी, और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे ये पी से क्यू तक की दूरी क्या है? ऑप्शन पहला है 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये ऑप्शन बस। लास्ट क्वेश्चन आज का ही समाप्त सब कुछ। बताएं आंसर करें, बताएं आंसर क्या है। सब पसंद रेक्शन देना कहाँ पे होगा कंप्यूटर? उत्तर पन्ना सड़क वाले साइड, सर में सड़क नहीं साइड, सर में हाँ। नंबर दो, नंबर कितने होगा नंबर दो? ठीक पता किसी का आंसर आता है? राज भाई आप ही घुमा रही है, शिवानी आंसर, रोहित भाई, जावेद, और कौन है जो आंसर? कौन इसका बोल रहा पीछे लगा है? कौन आ रहा है? किसी को किनका लगा है? फिर लड़ाई ले गई मैं उसका ना, जो थोड़ा बिल्कुल कर दे तो कर दे, मतलब जो भी है। अब हमें कहते घर से कौन हमें क्या बताइए, हम गलत आ गए ना, मेरे घर से लड़ सका लड़के जावे आंसर तो विमल सुरजी काम सर अंकित आंसर अच्छे का नहीं कोई अरे इसका रहा पहले वाले पहले सत्ता वाले कौन आगे दूसरे को तब संध्या साधना नाम क्या क्या आप लोग भूल जाता हूँ मैं संध्या है साधना जो भी हो पता है कि गर्मी ना पड़ी थी वो हवा कर रही थी उड़ मच्छी की हवा करते रहते हैं जो करते हैं दूसरे का क्यू आर है ये भी सही है चलो कुल मिला के ये बताओ 25 सही देखते हैं आप क्वेश्चन करते हैं शिवानी पढ़िए आप पढ़िए क्वेश्चन लिखा है पूरा पढ़ो हाँ छह लोग आप पढ़ो सही हो इसे पढ़ो ठीक है देखो यू चौकी एस से कहाँ से एस से एस ये हो गई एस को उत्तर कहाँ होगा ऊपर होगा है ना? S से ऊपर में कौन है U लिखा देखो क्या लिखता है U चौकी S से 15 किलोमीटर उत्तर में हो गई कितनी है 15 आप पढ़ो आगे जो किसके लिए आएगा जो आया S के लिए मैंने कहा था जो आता है सेकंड पर्सन के लिए U के लिए क्यों आएगा S के लिए आएगा आ जा नाम लिख दिया इनका नाम लिख सही जो क्या था यहाँ पे भाई क्या था यू एस से उत्तर में 15 ठीक है अब एस के लिए आए जो कौन यानी एस कहाँ पे पढ़ो उत्तर पूर्व कहाँ पे उत्तर पूर्व में जो उत्तर पूर्व कहाँ पे वो उत्तर पूर्व वाला योद्धा का दिशा वाला कहाँ से किससे है वो पी से कहाँ से क्यू से क्यू ही आ जाएगा हमारे योग है समझो फिर एक बार समझो क्वेश्चन क्या था आंसर आएगा क्वेश्चन ये था सुनो फिर से यू चौकी जो है एस से उत्तर में है 15 हो गई जो कौन ये जो यानी एस क्यू से उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व तो है उत्तर पूर्व तो हो रहा है उत्तर पूर्व 25 हो गया आगे बढ़िए पी चौकी टी से 5 किलोमीटर पश्चिम में कौन आ रहा है टी ये है ठीक है पश्चिम में तो होगा पश्चिम में होगा ठीक है तो लिए पी हो गई कितने 5 किलोमीटर ही हो गया आगे और आर से कौन और आता है इसके लिए और आया पी के लिए और कहां से दक्षिण पश्चिम की होगा दक्षिण पश्चिम है ये आ रही है आर से दक्षिण पश्चिम में कौन है पी है कितना किलोमीटर है 15 रुक जाओ अभी जो रुके एक मिनट पी टी के पश्चिम में है 5 किलोमीटर और कौन पी और आर से दक्षिण पश्चिम में 15 किलोमीटर ठीक है यहाँ तक सही है ठीक अब पढ़िए आगे जब पी क्यू टी सी रेखा में होगा हमारे ये तो होगा और लास्ट टाइम क्या है लास्ट टाइम ये थी क्यू और टी की दूरी कितनी है इसकी
30 किलोमीटर। अब समझो 5 ही निकाल दो, 25 भी हमारी है, 25 भी 30 हो गई ना, हो गई 30। बस पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखते हैं आंसर, इस बारे में बाद में, पहले करो इसी सरल क्वेश्चन में, थोड़ा घुमा दिया। एस से दक्षिण पश्चिम में समुद्र कौन है? एस ही है, एस है। दक्षिण पश्चिम ये तो इसका देखो, दक्षिण पश्चिम ये वाला भाई, दक्षिण पश्चिम ये तो है, देख लिए ये तो दक्षिण पश्चिम। एस से कौन है सबसे दूर? केवल क्यू दिख रहा है, क्यू के अलावा कोई दिख नहीं रहा, क्या आंसर होगा भाई? ऐसे थोड़ा जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। आगे क्या है? पी से क्यू तक की दूरी, पी और क्यू दूरी कितनी यहाँ पे? 30 पूरी 30 है यहाँ पे, ये कितनी? 25। पी और क्यू पूछ गई है 25, ठीक। अब प्रश्न के ला कर क्या पूछा गया? यदि कोई जीव पी क्यू तथा एस, पी क्यू तथा एस से होती हुई कहाँ गई? अच्छा, पी क्यू एस तथा टी से होती हुई कहाँ जा रही है? यू तक जा रही है, तो दूरी कितनी पूछी गई? उसे उल्टा रखा, बताओ। कोई जीप भाई आपकी बाइक है, पहले जाएगी पी पर गई, सही है, फिर क्यू पे आ गई, फिर एस पे आ गई, फिर टी पे दोबारा लौट के आएगी, फिर दोबारा यू पे आएगी, उल्टा तो नहीं होगा। तो सिंपल क्या करो, यहाँ से आगे जोड़ दो, कितना आंसर आ जाएगा आपका। क्या करना देखो, समझो पी क्यू एस टी और यू, यानी कि टी से लेके यू तक की दूरी कौन हो रही पूरी हमारी? देखो टी से यू तक की दूरी, टी ये है, यू है, इतना चलना है, चलना तो इतना ही है, जोड़ लो कितना हो गया सर, 30 + 30 और 25 कितना हो गया? 55 और 15 70, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका खाली डायग्राम टफ्ता करेगा, बस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डायग्राम टफ्ता, ठीक है। कल क्वेश्चन में कराएंगे भी और, ठीक है, कल चैप्टर में आधे घंटा और कराएंगे, आधे घंटे एक घंटा जो हमने आज कराया वो दोबारा कराएंगे, अच्छे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे उसमें। बच्चे आज कम रहेगा, कल तो बदल दिया गया, टाइम हो गया।